ओ भाई से छोड़, पठान फिल्म देख कर आ। बायकॉट। ओ भाई शाहरुख खान दीपिका ने अच्छा काम किया है। बायकॉट। अबे फिल्म अच्छी है। ऐसी बेशर्म फिल्में देखकर ना जाएगा मुझसे जिया। ऐसी बेशर्म फिल्में देखकर ना जाएगा मुझसे जिया। और तुम जैसे लोगों ने गलियों बाजारों में बायकॉट के नारे लगा लगा कर इस फिल्म का प्रचार कर दिया। और इसी की आड़ में शाहरुख और दीपिका ने अपने डांस के जलवे दिखाकर 100 करोड़ से भी ऊपर कमा लिया। फिल्म का प्रचार कर रहे थे तुम लोग, बायकॉट नहीं। बोल जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक? तो थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज डोंट माइंड। तो यार यहाँ पर इंस्टाग्राम पे कच्चे बादाम पे अगर कोई लड़की पिछवाड़ा हिला दे तो यार 50 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, वो तो फिर भी दीपिका है। यार अगर कोई आपका सवाल है इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आपके बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि भाई ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन जो है वो कैसे हम अपने डिवाइस में ला सकते हैं, क्योंकि शोमी ने जो है इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब आप जो है MIUI 13 में इसे बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी पर आपके काफी सारे कॉमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दे दी जाए। तो अब आप ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन अपने डिवाइस में कैसे ला सकते हैं अगर आपके डिवाइस में 4GB रैम है। तो यहाँ पर अगर आपके डिवाइस में MIUI 12.5 है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आपको वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये थंबनेल देख सकते हैं, तो आप वो कर लीजिए, आपको एनिमेशन मिल जाएंगे विदाउट एनीथिंग। तो MIUI 13 के लिए आपको अपना डिवाइस जो है वो रूट करना पड़ेगा। इसके लिए आपका डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए और उसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ये थंबनेल देख सकते हैं, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पहले वो जाकर करिए, उसके बाद आप ये वीडियो पर आइए, तभी आप कर पाएंगे। तो अगर आपके डिवाइस में बूटलोडर अनलॉक्ड हो चुका है, कस्टम रिकवरी आपने डाल ली है, तो आपको सीधा जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3 फाइल्स हैं तो आपने इन्हें जो है वो सेव कर लेना है कुछ इस प्रकार से, डाउनलोड करने के बाद अपने यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में जाना है, तो आपको यहाँ पर ये 3 फाइल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ये देखेंगे 1 है 2 है एंड 3, इसे आपने जो है वो मूव करना है। यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए तो ये सारी इधर आ जाएंगी। तो अब आपने अपने डिवाइस को रूट करना है एंड फ्लैश करना है, तो यहाँ पर आइए 10 बार यहाँ पर टैप कर दीजिए, उसके बाद आपने रीबूट टू रिकवरी जाना है। तो मैं मिलता हूँ आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है वो फाइलें हैं, तो ये जो zip फाइल है Magisk 25.2 आपने जो है इसे फ्लैश कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका कोई डेटा यहाँ पर रिमूव नहीं होने वाला, सब वैसा ही रहेगा, तो रीबूट कर देना। तो यहाँ पर जो है फोन बूट हो चुका है, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आपने एक डाउनलोड किया होगा APK, आपने उसे जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ये वो APK है ये वाला, तो आप इसे जो है अपडेट कर लीजिए। तो ये अपडेट होगा, इंस्टॉल नहीं, क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देखें ये जो है वो आ गया है, तो अभी आपको यहाँ पर जो है बहुत ही जल्द ये देखने को मिल जाएगा Magisk। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गया है, तो अब आपने इसे ओपन करना है। ओपन अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर जो है कोई भी, आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई भी जो है वो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, कोई एनिमेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर Magisk में आपने जाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मॉड्यूल पे जाना है और यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज पे आना है यहाँ पर। उसके बाद आपको ये Magisk फाइल नहीं, आपको यहाँ पर जाना है फिर से 9 Pro में, यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये वाली फाइल मिलेगी MIUI न्यू सिस्टम लॉन्चर, तो आपने इस पर टैप करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा आ जाएगा एंड डिवाइस को रीबूट कर लेना है। तो यहाँ पर फोन जो है वो रीबूट हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे फोन जो है वो बूट हो गया है, तो अब आपको फाइनली जो है ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखते हैं कितने फास्ट हैं, इनकी स्पीड जो है आपका मन बढ़ा भी सकते हैं, होम स्क्रीन में जाकर आपको कैसी जो है स्पीड चाहिए, और भी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं गाइज, जो भी आपको चाहिए आप वो लगा सकते हैं। ये देखिए सिस्टम लॉन्चर ऐसा आ जाता है, यहाँ पर बहुत सारी लेआउट है, तो आप इसे भी जो है वो कर सकते हैं। अनरूट करने के लिए गाइज आपको फोन को फुली फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी आपका जो डिवाइस है अनरूट होगा। Magisk अनइंस्टॉलर आप कर देंगे पर आपको तब भी जो है इशू आते रहेंगे। तो यार ऐसे जो है आप ला सकते हैं एनिमेशन, इसके सिवाय अभी और भी और कोई तरीका नहीं है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर